नमस्कार, आप देख रहे हो झलको शेखावत के नीम का थाना ताजा समाचार। पत्रकार आज नीम का थाना राजस्थान नीम का थाना आप सब नए जिले में होली सलय मिलन है भाजपा का। रघुवीर सिंह तंवर जो मुख्य नेता है भाजपा के वरिष्ठ नेता है उनका उनके द्वारा होली सलय मिलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समारोह के लिए पूर्व विधायक सबको बुलाया, निमंत्रण आमंत्रित किया। श्री माधोपुर दावर सिंह खर्रा, आप भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष विष्णु चेतानी सहित अन्य लोग मौजूद हैं और विकास के कार्य और सर्व समाज के विकास के अभी आपको दिखाएंगे। भामाशाह और बुद्धिजीवी और शिक्षाविद के रूप में समाज को सभी समाजों को विकसित कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप साधु के पात्र हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। परम आदरणीय हमारे शेखावाटी क्षेत्र नीमका थाना श्रीमाधोपुर क्षेत्र की जुदा दिग्गज नेता आदरणीय श्रीमान जब्बर सिंह जी खारा साहब, पूर्व विधायक श्रीमाधोपुर श्रीमान विष्णु जी चेतानी साहब, युवा भाजपा नेता, अब तो युवा क्या बालवान भी हो गए, थोड़े बुजुर्ग हो गए वरिष्ठ हम तो आपको काफी बचपन से जानते हैं, तब से आप लगे हुए थे, आप पधारे, आपका हम बहुत बहुत साधुवाद स्वागत करते हैं। श्रीमान नीमका थाना के वयोवृद्ध पूर्व जिला उपाध्यक्ष आदरणीय पूजनीय श्रीमान विजय जी बंसल साहब, हमारे तवरावाटी राजपुर सभा के अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई जुझारू नेता श्रीमान डॉक्टर साउंड है, मंच पे विराजमान हमारे जो छात्र संघ के युवा नेता श्री गुर्जर जी, आपका नाम मैं नहीं जानता, माफ करना, और अन्य हमारे भाईगण जो मंच पे पधारे हैं और दूर दराज से पधारे हुए सभी हमारे भाईगण, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। समय निकाल करके यहाँ पधारे और हमारे भाई रघुवीर सिंह जी को इस सलय मिलन आयोजन पे आशीर्वाद देने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए आप उसको भारी संख्या में आए, इसके लिए मैं सब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रघुवीर सिंह साहब, मैं आपसे एक आग्रह जरूर करूंगा, एक निवेदन जरूर करूंगा, जनता ने मूड बना लिया है और एक मैसेज पूरे नीमका थाना में इस क्षेत्र में जा चुका है, समाज परिवर्तन चाहता है, उस परिवर्तन में एक योग्य व्यक्ति का हर व्यक्ति चयन करता है। हमारे सामने बहुत से व्यक्ति होते हैं एक लाइन में कतार में, उनमें से एक को चयन करना होता है, उसी कड़ी के अंदर यहाँ की जनता, मैं शादी ब्याह समारोह में भी जाता हूँ और बहुत से ऐसे सामाजिक संगठनों में भी जाता हूँ, अमर सरवाटी तमरावाटी भोमिया संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो अतः सभी जगह जो एक आवाज आ रही है चारों तरफ से। आज ये रघुवीर सिंह जी का प्रोग्राम है, क्या कहेंगे आप? रघुवीर सिंह जी के लिए बढ़िया है प्रोग्राम, बढ़िया है, चंदा मिलाकर खड़े हैं, मेरी भी फोटो पूरा समाज यहाँ की जनता आपको जन समर्थन जहाँ जाते हैं कहते हैं साहब हमें तो रघुवीर सिंह जी को ही साथ देना है, और रघुवीर सिंह जी मैं फिर आपको देता हूँ, जहाँ जरूरत होगी ये पधारे हुए जितने भाई लोग हैं और दूसरे हैं सब कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़े हैं, और जहाँ कहोगे मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जहाँ जरूरत पड़ेगी ये सभी सब है, आपको 200-400 जितने कहोगे समाज के, आज समाज में राजस्थान में 200 विधानसभा है जीते हैं, जिसमें से एक राजपूत कोटे में नीम का खड़ा आते तवरावाटी के तवर केवल यहाँ प्रभावित होते हैं, और जिसमें से आप एक कर्मठ हैं योग्य हैं, तो सभी जगह हमारे जो है वो कहते हैं साहब नीम का थाना में तो तवरावाटी तवराना कंसिडर करो, कम से कम एक तवर तो विधानसभा में जाए, तो उस हिसाब से भी एक वहाँ का यहाँ का एक जनमानस और लोगों का एक मन बना चुके हैं कि इस बार तन मन धन से हम सब आपका साथ देंगे, और एक बार मैं पुनः आप सब पधारे हुए भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद के पात्र हैं जो आप आदरणीय रघुवीर सिंह जी को समर्थन देने के लिए इतनी भारी संख्या में
अपना कीमती समय निकाल के पधारे। जय माता जी के साथ राम राम। जय बंसल भी है यहाँ पे पूर्व भाजपा नेता जय सिंह जी मंडोली दावे में स्वागत करते हुए बहुत सी बातें इन्होंने आपके सामने रखी, स्वागत स्पीच आपके सामने रखा। अभी रघुवीर सिंह तो बहुत सी बातों से गुड़गुड़ बुलाने का कष्ट इन्होंने किया। अरे वाकई ही में आपका ये त्याग किसी परिवर्तन को इंगित करता है। और वैसे भी कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति भी परिवर्तन चाहती है, तो हम लोग परेशान है और परिवर्तन होना भी चाहिए। उसी परिवर्तन को देखते हुए आपने जो अपना ये विशाल जनसमूह आज होली स्नेह मिलन समारोह में उपस्थिति के रूप में दर्ज कराया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्यार ये प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। जय सिंह जी मंडोली, इन्होंने बहुत ही अच्छा स्वागत स्पीच आपके सामने रखा। अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि टेंट के उपेक्षा से ये कुछ कुर्सियां और पीछे लगाने का कष्ट करें, क्योंकि अभी हमारे और कार्यकर्ता पधार रहे हैं। जैसी कि हमें सूचना मिली है हमारी टीम के सदस्यों से कि अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं टेंट ऑपरेटर से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ पीछे और कुर्सी की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे। आइए स्वागत की इस अगली कड़ी में अपने स्पीच रखने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भाजपा सीकर से श्रीमान विष्णु जी चेतानी की निवेदन है महोदय आप मंच पे आए और अपने मुखारविंद से दो शब्द रखने का कष्ट करें। इस नीम कथाना विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से पधारे सभी बड़े बुजुर्ग युवा मित्र मातृशक्ति और मंच पर विराजमान वरिष्ठ लोग सब लोगों को मैं अपनी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम सब लोगों को नीम कथाना में आशीर्वाद देने पधारे और इस सीकर जिले के कद्दावर नेता पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय जावर सिंह खन्ना जी, इस नीमका थाना में जब भाजपा का नाम नहीं था जनसंघ था और तब से इस विचार के लिए जीवन व्रत पूरा लेकर संघर्ष करने वाले और सदैव संघर्षों के साथ में इस विचार को जिंदा रखा, जिस विचार को आगे बढ़ाया, ऐसे हम सबके लिए सम्माननीय आदरणीय विजय बंसल जी। आज के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय रघुवीर सिंह जी, इस मंच पर इस नीमका थाना क्षेत्र के कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मेरे मित्र सरपंच आदरणीय शेर सिंह जी, सरपंच आदरणीय दिनेश जी, इस तवरावाड़ी संघ के अध्यक्ष आदरणीय शिवराज जी, मित्र सुरेश गुजर जी और भी कई सारे नाम बैठे हैं, कुछ को मैं पहचानता हूं, शायद कुछ को नाम याद नहीं रहता। सामने भी मेरे बहुत वरिष्ठ लोग विराजे हैं, कई सारे चेहरे में पहचान रहा हूं, कई सारे नहीं पहचान पाता। ऐसे सब लोगों को मैं प्रणाम करते हुए, मीडिया के बंधु यहां पर विराजे हैं आपको भी प्रणाम करते हुए, सर्वप्रथम होली की बधाई शुभकामनाएं। साथ ही हमारा क्षेत्र अब जिला है, जिला नीमका थाना, इस जिला बनने के लिए सबको बधाई और शुभकामनाएं। फॉलो करें, जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे जिले की डिमांड, मैं सुबह कल इसको समझने की कोशिश कर रहा था कि ये 1952 से चली हुई मांग है हमारी। प्रथम विधानसभा में कपिल देव जी अग्रवाल, उन्होंने इस जिले की डिमांड को सबसे पहले विधानसभा में रखा, तब से लेकर इस जिले की डिमांड लगातार बढ़ती गई।
मैं आज इस मंच से जरूर याद करना चाहूंगा उन ओम प्रकाश देसाई को, जिनके जीवन में एकमात्र उन्होंने लक्ष्य बना लिया कि नीमका थाना जिला बन जाए और अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। निश्चित रूप से उनको आज हम सब लोग मिलकर नमन करते हैं। इस नीमका थाना को जिला बनाने की डिमांड में मैं याद करना चाहूंगा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी को भी। उन्होंने इस नीम का थाना को यहां पर आकर इस नीम का थाना को ताकत देने का काम किया। इस नीम का थाना को जिला बनाने की डिमांड को लेकर के विशाल प्रदर्शन इस प्रकार का आयोजन किया, सरकार को बाध्य किया, कमेटियों में सरकार का नाम नीम का थाना का नाम ठीक से आए, इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की। उस समय मैं याद करना चाहता हूं श्री किशन जी मोदी को भी, जो इस क्षेत्र के पूर्व सांसद रहे और उन्होंने राजनीतिक विचार के मतभेद को छोड़ते हुए सभी लोगों को एक मंच पर इकट्ठा किया, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी केएल मीणा जी के को साथ में शामिल किया कि टेक्निकल चीजें क्या क्या होनी चाहिए, इन सब बातों को लेकर जिले के बारे में एक ठीक से स्क्रिप्ट बने, कोई रचना बने और उसके बाद में वर्तमान राजनीति के भी बहुत सारे नाम सब लोगों ने अपना अपना रोल उसमें प्ले किया है। मैं ऐसे सब लोगों को जिन्होंने से जिले की डिमांड को लेकर अपना कोई भूमिका निभाई है, मैं सब लोगों को बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं और पुराने जितने लोग जो हमारे बीच में नहीं है उनको इस मंच से श्रद्धांजलि देता हूं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के नाते यहां पर आए हैं, हम सब अपने आप को गौरवशाली मान सकते हैं, मानना चाहिए कि हम उस कालखंड में यहां पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं जिस कालखंड में हमारे इस विचार की ताकत को, इस भारतीय जनता पार्टी की ताकत को पूरे विश्व ने माना है। इस देश का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब जब कोई पूरी दुनिया में सर्वे होता है तो कुछ बातें बीच बीच में रोज निकल कर आती है कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे कद्दावर व्यक्ति कौन है, तो निकल कर आता कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज इस दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणी के नाते पहचाने जाते हैं। पूरी दुनिया के राजनीति में सबसे ईमानदार व्यक्तित्व कौन है, तो ध्यान में आता है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के राजनीति के क्षेत्र में सबसे ईमानदार। कौन सी सरकार हुआ कि जनता के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाएं डिलीवर कर पाने में सफल है, तो ध्यान में आता कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और पिछले 9 वर्षों में क्या बोल ठीक पिछले 9 वर्षों में जनता के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का जो हक था वह किस प्रकार उस तक पूरा पहुंचेगा। किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है, उस 15 पैसे नहीं पूरा 1 रुपया उस तक कैसे पहुंचेगा, उसकी व्यवस्था करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अब तक 27 से 28 लाख करोड़ रुपया जनता के सीधे डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत जनता के खातों में सीधे पहुंचे हैं। उनकी योजनाओं की चर्चा करने के लिए मुझे लगता है कि समय कम पड़ सकता है, घंटों चर्चा कर सकते हैं कि समाज के हर व्यक्ति तक उनकी योजनाओं का कैसे लाभ पहुंचा है। दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार भी है, पूरे 4 वर्षों में उस सरकार ने भी बहुत सारे मामलों में राजस्थान को नंबर 1 बनाया है। आज पूरे देश में अगर अपराध की श्रेणी में अगर चर्चा करें तो राजस्थान 1 नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। सारे राजस्थान में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, मां बहनों की इज्जत तार तार होते उसके साथ में बलात्कार, उसके असम्मान की घटनाएं अगर उसके आंकड़े देखना शुरू करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे तो राजस्थान 1 नंबर पर पूरे देश में आकर खड़ा हो गया। दलितों पर अत्याचार की बात करेंगे तो भी राजस्थान 1 नंबर पर दिखाई देता है। तुष्टीकरण की चर्चा करेंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूं, एक जिले के प्रभारी के नाते मैं काम करते रहा हूं,
मेरे प्रभार जिले अलवर में एक मंदिर की मूर्तियों को कटर लगाकर भगवान शिव के शिवलिंग को तोड़ दिया गया, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। मैं बहुत अधिक चर्चाएं यहां पर नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान की सरकार ऐसे बड़े बड़े कीर्तिमान इस राजस्थान में स्थापित किए हैं और उनको लगता है कि ये जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है। अब हम इस सारे 4.5 वर्षों में किए हुए अपराध, ये पूरे 4-4.5 साल इस राजस्थान की सरकार सिर्फ अपने आप को बचाती रही, होटलों में बंद रही, राजस्थान के जनता की खून पसीने की कमाई उनकी अय्याशी में खर्च हो रही थी। अब उनको लगता है कि जनता शायद कुछ लॉलीपॉप हम दे देंगे तो वो भूल जाएगी, और उस लॉलीपॉप की संख्या में बहुत सारे जिले बनाए हैं। मेरे नीम के थाने को भी जिला बनाया, वो निश्चित रूप से हमारी हक था, हमारी डिमांड थी, लेकिन उस जिले बनाने की बंदर बांट में उनको यह भी ध्यान में रहा नहीं रहा कि क्या वास्तव में राजस्थान की आवश्यकता क्या है। उन्होंने राजस्थान के गोविंदे, जयपुर के गोविंदे और जयपुर के मोती डुगरी के गणेश, उन दोनों को भी दो अलग अलग जिलों में बांट दिया। इस प्रकार के निर्णय करने वाली यह सरकार है, जितने सारे निर्णय करते हैं उस निर्णय के केंद्र में इस राजस्थान की जनता की भलाई नहीं है, उस निर्णय के केंद्र में राजनीतिक स्वार्थ दिखाई देता है। उस निर्णय के केंद्र में किस प्रकार हम जनता को मूर्ख बना सकते हैं यह सोच दिखाई देती है। लेकिन ये कांग्रेस का नेतृत्व ठीक से समझ ले, अब की बार का चुनाव कांग्रेस को हराकर बीजेपी की सरकार लाने का चुनाव नहीं है, ये इस राजस्थान की धरती से परमानेंट इस कांग्रेस की विदाई का यह समय है। यह चुनाव इस कांग्रेस की परमानेंट यह राजस्थान से विदाई का आगाज करेगा, और उन सब में आप सब जैसे कार्यकर्ताओं की ताकत, आप सब जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जज्बा यह काम आएगा। मैं सब लोगों से क्षमा याचना भी करना चाहता हूं कि मुझे एक कार्यकर्ता के परिवार में कोई देहावसान हुआ है, मुझे उसके दाह संस्कार में पहुंचना है शीघ्र, इसलिए मैं आप सब लोगों से मेरी ओर से अभी प्रणाम करते हुए अनुमति चाह रहा हूं। मेरी बात में कोई बात अन्यथा लगी हो तो उसको यही छोड़कर जाएंगे, लेकिन मेरी बात में कोई बात ठीक लगी है तो अपने साथ लेकर जाएंगे और इस कांग्रेस के नेतृत्व को इस राजस्थान की परमानेंट विदाई के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में पुनः आप सब लोगों को होली की शुभकामनाएं। हम नए जिले के लोग हैं, जिला नीम का थाना के, उसकी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आपके सामने विष्णु जी चेतानी, इन्होंने बहुत सी बातें आपके सामने रखी और बहुत ही बातों में अभी देख नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी के नेतृत्व के बारे में भी बताया, पूरा देश नहीं बल्कि विदेश में उनके नेतृत्व से अभिभूत है। वो तो बेचारे चाय बनाने का काम करते थे, राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि मैं राजनीति में आऊं, क्या कि यूं तो चाय बेचने में भी गुजारा हो रहा था, लेकिन माँ भारती की दुर्दशा देख करके व्यथित मन रो रहा था। अरे झांक करके देखो भारतीय पौराणिक इतिहास में, अरे कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे थे कारावास में, अरे तानाशाही और सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा, अरे कहीं सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, बस इसी के लिए चाय के धंधे को छोड़ना पड़ा। वास्तव में उनका नेतृत्व ताई पे काबिल है। आइए अब मैं एक रचना आपके सामने, कुछ हमारे दर्शक लोग इंतजार कर रहे थे, उसके बाद में इस रचना के जस्ट पश्चात में आमंत्रित करूंगा श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से। शेयर करें पोस्ट को, नीम का थाना में भाजपा होली स्नेह मिलन के घटना, और उसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा आज के हमारे पदाधिकारी जाबर सिंह जी के विचार भी हमें सुनने को मिलेंगे, तब तक के लिए एक छोटी सी रचना। सामने बड़ा सुंदर बताया, ये तजुर्बा बुजुर्गों से मिलता है, लेकिन महाराज ने बुजुर्गों को आज हम देते हैं। देखो भजन का मतलब यही नहीं हम सुन करके चले जाए, भजन का क्या सार क्या है, भजन कहता क्या है, हमारे जीवन में हमें जीना आ जाए, वही तो भजन है महाराज।
क्योंकि लोग कहते हैं जमाना बदल गया और मैं कहता हूँ जमाना कैसा बदल गया, और बेदर्द जमाना बदल गया भाई। देखिए रोड कसोते और माँ बाप को घर से काट दिया, बेटे ने पाल लिए कुत्ते, बदल गया है। आज माँ बाप को घर से निकाल दिया, गाय माता को घर से निकाल दिया। तो थोड़ा भजन ध्यान से सुनना, भजन सुनने लायक ये होते हैं महाराज। ऐसा नहीं स्टेज पर नाच गान सुन करके चले गए, वो भजन नहीं है। भजन ये है तो अपने दिल को छू जाए, ऐसे कहते हैं। संसार में सब कुछ मिल सकता है, धन पा सकते हो, दौलत पा सकते हो, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलने वाले। मेरे भाई बैठे हैं यहाँ, याद रखना इस बदन को सुन करके संकल्प लेकर के जाना, मर जाऊंगा लेकिन मेरे माँ बाप की जिंदे से वो डॉक्टर में नहीं भेजूंगा, मैं जीव गुरु की सेवा करूंगा। कहते मिलते नहीं तुम्हारा रे करो आनंद गंगधारा रे, परमात्मा की सेवा।